देखिए, बॉलीवुड से भी ऑफ़र मुझे पहले आया हुआ था, बट मुझे ये देखना था कि स्टोरी किस में ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने टिकटॉक शुरू किया था तो करीब 2 महीने तक 0 लाइक्स थे। तो फिर मैंने जब टिकटॉक शुरू किया था तो बस खुद को देखने के लिए कि फ़ोन में मैं कैसी लग रही हूँ। बिहार की भागलपुर की बेटी संचिता बासु टिकटॉक से रातों रात अब स्टार बन गई है और साउथ इंडियन मूवी में अब उन्होंने अपना परचम लहरा दिया है। हमारे साथ संचिता बासु है, उनसे बात करते हैं। संचिता बासु, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सो मच। आपने साउथ इंडियन फिल्म में कदम रखा, कैसे शुरुआत हुई? मेरी जो शुरुआत है अभी से साउथ तक की, वो बेसिकली टिकटॉक से शुरू हुई थी। मैं शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक पे बनाती थी और मैंने शॉर्ट वीडियोस जब बनाना शुरू किया तो उस वक्त ज़्यादा रिस्पांस, वो लाइक वगैरह नहीं थी उतनी, पर धीरे धीरे वीडियोस वायरल हुई और कहीं ना कहीं साउथ के जो डायरेक्टर हैं अनुदीप सर, उनके वहाँ तक पहुँची और उन्होंने मुझे इस मूवी के लिए अप्रोच किया। मूवी का मतलब, जो आपकी मूवी है, कौन सी मूवी है और क्या कहानी है? जो मेरी मूवी है वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो है उनका, उसका नाम है। और ये एक बहुत ही बड़े, वहाँ पे बहुत बड़े बैनर, पूर्णोदया बैनर पे वो रिलीज़ हुई है और श्रीजा एंटरटेनमेंट हम प्रोड्यूसर प्रोडक्शन है हमारी और बहुत ही बड़ी है। आप जब सर्च करोगे वहाँ पे आपको पता चलेगा, कमल हसन सर, चिरंजीवी सर की ये मूवी भी इस पे रिलीज़ हो चुकी है इस बैनर पे। और अब वो 25 to 30 years के बाद वो कमबैक हुआ है ये बैनर फिर से। फिल्म की कहानी क्या है, क्योंकि फिल्म साउथ में है तो जो हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें समझ से बाहर ये फिल्म है, तो उनके लिए क्या ये कहानी होगी, कुछ बता सकते? बेसिकली कोशिश किया जा रहा है कि वो हिंदी में भी रिलीज़ हो, जो आप लोग समझ सको। ये जो बेसिकली स्टोरी है वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसलिए इस मूवी का नाम है क्योंकि ये स्टोरी एक टिकट के, ये स्टोरी 2 दिन की स्टोरी है जिसमें एक बहुत बड़ा फ़ैन रहता है। 2000 की स्टोरी है, 2000 में एक बहुत ही बड़ी मूवी रिलीज़ हुई थी, खुशी मूवी, जो पवन कल्याण सर की है। तो इसमें होता ये है बेसिकली कि जो हीरो और हीरोइन दोनों पवन कल्याण सर के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, तो एक्ट्रेस पहली बार हीरो से कुछ मांगती है, वो है खुशी मूवी की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट। और किस तरह वो स्ट्रगल करके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो लाते हैं टिकट, तो ऐसे ही मूवी इर्द गिर्द घूमती रहती है। फुल ऑफ कॉमेडी मूवी है जो बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है साउथ में और वो लोग बहुत हंस रहे हैं। एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है बहुत ज़्यादा। आप रिव्यू देख सकते हो, उन लोग को बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। अभी कुछ दिन में ऐसा चल रहा है कि कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है तो हंसने का मौका नहीं मिल रहा है लोगों को, सब काम में बिजी रहते हैं, तो कॉमेडी के ज़रिए से वो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। बिहार के लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर संचिता बासु टिकटॉक से कैसे मूवी में गई। अपना शुरुआती दौर बताइएगा कि कैसे, पहला वीडियो क्या था आपका, उस पर कितने लाइक्स मिले और अभी क्या है? जब मैंने टिकटॉक शुरू किया था तो करीब 2 महीने तक 0 लाइक्स थे। तो फिर मैंने जब टिकटॉक शुरू किया था तो बस खुद को देखने के लिए कि फ़ोन में मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे करके। एंड देन मम्मा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। पहले दिन से जो मेरी वीडियोस थी वो मेरी मम्मा ही बना रही थी, तो धीरे धीरे मेरे वीडियोस वायरल होते गए। तो टिकटॉक फिर बैन हो गया क्योंकि एक चाइनीज़ ऐप था, तो मेरे 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हुए और टिकटॉक बैन हो गया। देन मैंने स्नैक ऐप पर शुरू किया, वो ऐप मुझे पता नहीं था कि वो चाइनीज़ ऐप है, तो उसमें मेरे 2 to 3 months में 10 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर रहे थे। बहुत अच्छा चल रहा था पर वो भी बैन हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड इन दिस इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे अभी मेरे 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बस धीरे धीरे वीडियोस बनाते गई, लोगों का सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड देन धीरे धीरे वीडियोस साउथ तक पहुँची, उन्हें मेरी वीडियोस में मेरे एक्सप्रेशन कुछ अच्छे लगे। फिर मैंने सबसे पहले एक लुक टेस्ट दिया था, ऑडिशन दी थी एक मूवी के लिए अनुदीप सर को ही, और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो मूवी कुछ किसी कारण के कारण वो मूवी नहीं बन पा रही थी कि क्या, आई डोंट नो। उसके बाद मुझे 2-3 महीने के बाद दूसरी मूवी, जो मेरी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उन्हीं की मूवी मुझे अप्रोच किया गया और मेरी मूवी अब रिलीज़ हो गई। साउथ में आपकी फिल्म रिलीज़ हो गई, क्या इसके बाद बॉलीवुड से कोई ऑफ़र आने शुरू? देखिए, बॉलीवुड से भी ऑफ़र मुझे पहले आया हुआ था, बट मुझे ये देखना था कि स्टोरी किस में ज़्यादा अच्छी है और कौन सा लोग मुझे फैमिली, ऐसे मैं बिहार की बेटी हूँ और मुझे लगता है कि फैमिली से रिलेटेड जो मैं मूवी बना सकूँ, जो लोग फ़ख्र से देख सकें, मैं वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। और ये मूवी फुल ऑफ कॉमेडी थी, बहुत अच्छी थी, बड़े प्रोडक्शन की थी और अनुदीप सर की राइटिंग थी, तो मैंने हाँ की।
बॉलीवुड से किस तरह का ऑफर था जिसे आपने ठुकरा दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी अगर स्टोरी अच्छी मिलती है तो मैं हर जगह करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर स्टोरी अच्छी है तो मैं करूँगी। बट मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने मुझे प्रीफर किया कि ये साउथ मूवी बहुत अच्छी है और ये करो, दिस विल गिव यू अ ग्रेट चांस। बता सकते हैं कि बॉलीवुड से कहाँ से ऑफर आया था? मैं रिवील नहीं कर सकती एक्चुअली, आई कांट रिवील इट। तो अब आगे की जर्नी? आगे की जर्नी इसके बाद है मेरी तमिल मूवी, एक तमिल मूवी है जो चेन्नई में बहुत जल्द शूटिंग शुरू होगी और अभी उसको लेके काम कर रही हूँ मैं। तो ये थी संचिता वासु, जिन्होंने बिहार में टिकटॉक से अपने शुरुआत की और अब साउथ में ये पहुँच गई हैं, अब स्टार बन गई हैं और आने वाले समय में तमिल मूवी में भी काम करने वाली हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक पटना।